सर इसके फीचर बताइए थोड़ा। सर इसके फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो प्लांट जिसपे बैठा हुआ है, जिसपे ये प्लांट होल्ड है, ये जो स्कीड बनी हुई है ना, ये आप जो देख रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील की स्कीड है सर, है ना। ये आपकी जंग नहीं लगेगी, ठीक है। SS304SS से ये बना होता है। और फिर हम जब इस पे आते हैं, ये जो पंप लगा हुआ है सर, ये जो पंप है वो रॉ वाटर पंप होता है। ये रॉ वाटर पंप कहाँ से कनेक्ट होता है, हम लोग जो वाटर टैंक लगा के रखे हैं अपने, इस मशीन के लिए हमको एक वाटर टैंक लगाना पड़ता है। वो वाटर टैंक हमारी बोरवेल से पानी को इकट्ठा करता है, और वो जो पानी इकट्ठा होती है उसको ये मोटर खींचता है। खींचने के बाद इस वेसल पे ट्रांसफ़र करता है। ये जो वेसल आप देख रहे हैं, ये वेसल पेंटियर का है ना सर, ये इसका ब्रांड नेम है, पेंटियर है। बहुत अच्छी काफ़ी ब्रांड है, टॉप ब्रांड में से एक है ये पेंटियर, है ना। ये वेसल, दो वेसल इसमें है सर, ठीक है। ये वेसल में काम क्या होता है, इसको अपन मल्टीमीडिया वेसल बोलते हैं। इसमें एक में सैंड फिल्टर होता है और एक में ये कार्बन फिल्टर होता है। और इसके बाद हम लोग आते हैं, इस पे आते हैं सर, ये जो आप जंबो देख रहे हैं, ये प्री फिल्टर होता है सर। ये प्री फिल्टर क्या होता है, 5 माइक्रोन तक की हमारी जो केमिकल होता है उसको वो क्लियर करता है ना सर। और ये जो पैनल आप देख रहे हैं, ये होता है अपना रॉ वाटर आरओ का जो कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोल पैनल होता है, इसी से ये ऑपरेट होता है। और ये दो मीटर दिख रहे हैं, ये रोटा मीटर है सर, है ना। एक में आपका फ्रेश वाटर का शो होता है और एक में आपका होता है रॉ वाटर शो होता है। इसके बाद हम ये जो पंप देख रहे हैं, ये होता है CRI पंप होता है सर, है ना। ये प्रेशर पंप बोलते हैं, ये हम लोग CRI का लगाए हुए हैं। ये प्रेशर पंप है जो कि पानी के प्रेशर को रिलीज करेगा सर, है ना सर। और ये जो पाइपें देख रहे हैं ना सर, ये सारी पाइपें हम लोग UPVC लगा के देते हैं सर, है ना। ये पाइप जो लगाए हम वो UPVC पाइप है। और सर ये जो आप बैक साइड में जो देख रहे हैं, ये SS है ना सर, ये मेम्ब्रेन का हाउसिंग होता है सर। इस पर हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो बैठती है सर। ये मेम्ब्रेन हाउसिंग हम लोग इसमें SS का दिए हुए हैं, ये अच्छी क्वालिटी है, स्टेनलेस स्टील का दिया हुआ है इसमें। और ये जो पंप आपका है, ये डोजिंग पंप है। इसमें हम लोग डोजिंग लिक्विड डालते हैं, डोजिंग पंप है ये जो पंप आप देख रहे हैं, ये डोजिंग पंप है। और इसमें एक प्लांट और देख रहे हैं आप, ये थोड़ी सी जैसे कस्टमर कॉस्ट ऑप्टिमाइज के लिए बोलता है, जैसे कि हम कुछ प्लांट बोलते हैं कई लोग कि सस्ता प्लांट चाहिए। तो ये जो प्लांट आप देख रहे होंगे, दोनों कंपैरिजन में आप ये जो प्लांट देख रहे होंगे सर, अभी मैं उसमें जो आपको बताया था, उसमें जो वैसा मेम्ब्रेन हाउसिंग लगा हुआ था वो आपका SS का था, और ये जो है FRP है, प्लास्टिक है ना। बाकी सारी चीज़ें जो इसमें मैंने पेंटियर की बताई, वो पेंटियर के अलावा ये दूसरी ब्रांड की है ना। और ये आपका स्टैंड सीट वही है, और जो पंप लगा हुआ है सर, ये CRI की जगह दूसरा पंप है। तो थोड़ी सी हमको कॉस्ट में थोड़ी सी प्राइस ऑप्टिमाइज हो जाती है। दोनों प्लांटों में काफ़ी फर्क है। इसका प्राइस क्या है? ये जो प्लांट आती है सर, 1.45 की आती है, 1,45,000 रुपये की। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज में। मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाते, जो भी हमारी वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुँचती। आज का बिजनेस आइडियाज है बिल्कुल अलग ही, अलग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देख ही सकते हो, बिल्कुल ये आरओ प्लांट का बिजनेस आइडिया है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसकी हर 5 मिनट में डिमांड पड़ती है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको जरूरत नहीं पड़ती। क्या जिसकी जरूरत नहीं पड़ती? पानी। ये जल ही जीवन है, और ये चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, गांव हो, शहर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, हर आदमी को इसकी जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, ये बिजनेस हमेशा के लिए चलने वाला है। फटाफट इस बिजनेस को अगर आपने करना है तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। बीच में अगर आपने स्किप कर दी तो बिजनेस आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं तो कहोगे सर आपने पूरी जानकारी नहीं दी। ये भाई मशीन कैसे वर्क करती है, इसके अंदर कितना प्रोडक्शन तैयार करता है और इससे कितना पैसा कमा सकते हैं, आइए इसके बारे में सबसे जानकारी लेते हैं और आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी कह रहा हूँ, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हेलो सर जी, नमस्कार सर, और कैसे हैं जी? सब ठीक है सर। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए और अपनी कंपनी का नाम बताइए। सर मेरा नाम तूषण कुमार निर्मलकर है, और हमारी जो कंपनी है वो श्री इंटरप्राइजेस के नाम से है, जो कि भिलाई छत्तीसगढ़ पे है ना। हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग मशीनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसा कि हमने एक पहले भी और जो वीडियो है उसमें भी अपनी मशीनों के बारे में बताया हुआ
हुआ है। आज हम आपके लिए जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं वो आरओ वाटर प्यूरीफायर है ना। ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं ये क्या पानी प्यूरीफाई करती है। हम लोग जैसे मार्केट में जो 20 लीटर जार जो सप्लाई करते हैं, जैसे कि जो शादी ब्याह में आपने देखा होगा 20 लीटर का कैन होता है, चिल्ड कैन होता है, नॉर्मल कैन होता है, और हर एक शॉप में आपने देखा होगा कि आजकल सब 20 लीटर जार ही बेचते हैं ना, क्योंकि हर कोई आरओ अफोर्ड नहीं करता, इसलिए वो पानी खरीद के पीते हैं। तो वो जो पानी जो सप्लाई होती है उसका जो प्रोडक्शन होता है इस प्लांट से होता है सर, है ना। जो प्लांट आप देख रहे हैं इस प्लांट से पानी का प्रोडक्शन होता है। ये जो प्लांट है ये अपनी जो रॉ वाटर होती है, जो ग्राउंड वाटर है ना, उनको क्या करती, प्यूरीफाई करती। प्यूरीफाई करने के बाद उसको अपन सप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से पाइप को, कई पानी को ये कर सकती है, हर जगह पानी अलग हर जगह होता है। हर जगह पानी पानी कैसा भी पानी, पानी हो, कैसा भी पानी हो वो बराबर इस मशीनरी में प्यूरीफाई हो जाता है। इस मशीनरी में 2-3 स्टेप है सर, 2-3 स्टेप से वो फिल्टर होता हुआ होने के बाद आपके दूसरे टैंक पे जाके स्टोर होता है। मैं जैसा कि इसमें जानकारी देना चाहूँगा, है ना, जैसे हमारा ये जो वेसल आप देख रहे होंगे, जो नीले कलर के बड़े बड़े आपने जो वेसल देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीमीडिया वेसल बोलते हैं, है ना। इसका वर्क क्या होता है कि इस वेसल में आपको एक में अपने को कार्बन डालना पड़ता है ना, कार्बन हो गया, और इसमें आपका होता है सैंड, ठीक है, इसको सैंड फिल्टर बोलते हैं, उसको कार्बन फिल्टर बोलते हैं। मतलब अपन एक रेगुलर लैंग्वेज में बोले जाए तो अपन इसमें एक चारकोल का पत्थर हो गया और एक हो गया आपका रेत का पत्थर हो गया, ये दोनों चीज़ों को इसमें डाला जाता है सर, है ना। और ये जो काम क्या करता है कि पानी में जो स्मेल होते हैं, है ना, और केमिकल है कुछ कुछ, जैसे अपन देखते हैं कि पानी हर जगह अलग अलग होता है, तो हर स्मेल आते रहती है, तो वो सब स्मेल को ये वॉश कर देता है सर, है ना। और फिर सेकेंड इसका जो प्यूरीफिकेशन का प्रोसेस होता है, आप ये दो नीले कलर के वेसल आप छोटे छोटे ट्यूब देख रहे हैं, इसमें क्या होता है 5 माइक्रोन तक का जो बैक्टीरिया होता है वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, है ना। इस फिल्टर में फिल्टर होने के बाद रिमूव हो जाता है। फिर वो आपका प्रेशर पंप है, प्रेशर पंप से आपका जो पानी का प्रेशर है वो रिलीज होता है। उसके बाद आपका जो लास्ट प्यूरिफिकेशन स्टेप है वो मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन में फिल्टर होने के बाद जो पानी है, जो हमारा लाइट वाटर है ना, वो हमारे दूसरे टैंक पर जाके स्टोर होता है, जिसको हम लोग सप्लाई करते हैं। इस पानी में जैसे हम लोग देखते हैं जब प्यूरीफाई करते हैं तो पानी क्या होता है, 100% अपना जो ग्राउंड लेवल का है सर, है ना, ग्राउंड लेवल से जो पानी हुआ उसमें से 100% में अपन लेके चलेंगे तो 30% 40% जो लाइट वाटर होता है, जो पीने योग्य होता है, वो पानी प्यूरीफाई होता है और वो स्टोर होता है, जिसको हम लोग पीते हैं। सर इस प्लांट को लगाने के लिए कितना अमाउंट लगाना पड़ेगा हमें? इस प्लांट को लगाने के लिए सर, ये प्लांट हमारे यहाँ 2 वेरिएशन में बनती है। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं सर, ये 1,65,000 रुपये का है, है ना, ये इसकी प्राइस हम लोग 1,65,000 रुपये में सेल होती है। तो इस प्लांट को लगाने के लिए क्या हमें किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी? इस प्लांट को लगाने के लिए हमको कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि हम जो जार सप्लाई करते हैं वो ओपन बॉटल होता है, ना कि पैक्ड होता है। अगर अपन उसमें पैक कर देंगे, अपना सील कर देंगे या अपन ब्रांड दे देंगे, तो हमको फिर उसमें लीगल वे पे जाना पड़ता है। जैसे अपन 1 लीटर का बोतल देखते हैं, वो सील पैक होता है, सील पैक होता है, वो खुद का ब्रांड हो गया, इस वजह से उसमें लाइसेंस की डिमांड रहती है सर। ये डब्बा जो अपन किसी को देते हैं तो विद इन 24 से 48 घंटे बाद ये डब्बा खाली होकर हमारे पास वापस आ जाता है, स्टॉक नहीं होता ये बोतल, इस वजह से इसमें लाइसेंस की लाइबिलिटी नहीं आती है। सर अगर कोई नया बिजनेस करना चाह रहा है, मान लो मैं इस बिजनेस को करना चाह रहा हूँ, मैंने प्लांट तो लगा लिया जी, लेकिन कस्टमर कहाँ से लाऊं? कस्टमर कहाँ से लाएंगे? तो कस्टमर का सर ऐसा, कस्टमर सोर्स हमको जनरेट करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ फर्स्टली तो हम देखते हैं कि जैसे आपने प्लांट लगाया, जो भी नॉर्मल सी बात आपने लगाया, तो आपके फेस वैल्यू से ही आपको जानने वाले इतने सारे लोग मार्केट में निकल जाते हैं कि उनको पता चलेगा कि हमारा संबंधी बिजनेस चालू किया है, वो भी पानी लेना चाहता है, वो तो सबसे पहले वो आपके पास आएगा। और दूसरा अपन देखेंगे कि इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स हो गया है ना, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होते हैं, दुकानें होती है, उनको सबको पानी की नीड होती है, तो वहाँ पर आप जाके एक बार सर्च कर लीजिए, कॉन्टेक्ट कर लीजिए कि भी हम पानी सप्लाई करते हैं, उनको पानी की नीड रहती है। और दूसरा नियर बाई आपके आसपास सिटी में जितने भी टेंट हाउस होते हैं, है ना, क्योंकि टेंट हाउस वालों का काम ही ये चीज़ है, उन लोग शादी ब्याह में ऑर्डर करते हैं, तो उनको क्या हमेशा ये जार की सप्लाई की ऑर्डर की जरूरत पड़ती है। आप सारे टेंट हाउस से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया आपका, इवन डुप्लेक्स हो गया या फ्लैट जो हो गया, जितने भी फ्लैट होते हैं, फ्लैट सिस्टम में भी सबके सब आजकल इतने रश में कि उनको आरओ, छोटा आरओ लगा नहीं सकते, लगाते तो मेंटेनेंस ज़्यादा आता है, इसलिए वो जार खरीद के पीते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें सेल होती है सर। सर एक ऐसे भी हो सकता है, जैसे हम किसी से 30 रुपये का जग खरीद रहे हैं, 40 का खरीद रहे हैं, तो हमें अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हमसे पानी वो क्यों खरीदेगा? हमें कुछ उससे कुछ कम प्राइस देंगे तभी तो, बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हमसे खरीदेगा वो जी। हम क्या कस्टमर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचो कि अगला
अगर 20 का जग दे रहा है, 30 का जग दे रहा है, तो आप भी उसी रेट में दे, कोई बात नहीं, दो पैसे आप कम कीजिए। जब आपका उनको पानी पसंद आ जाएगा, आपकी सर्विस अच्छी लगेगी, तो आप भी सेम रेट में वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा एक चीज़ सर्विस, ये बिजनेस जो है सर हर कोई करता है, लेकिन एक्चुअली ये जो मार्केट है सर सिर्फ सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है सर। अगर किसी को टाइम टू टाइम पानी नहीं मिला तो वो आपसे क्यों पानी लेगा? उनको सर्विस चाहिए, सर्विस आप अच्छी दोगे तो आप जो रेट भी बोलोगे वो रेट देगा आपको। ये सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है सर, इसलिए हमको हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कस्टमर का। जैसे हम शादी का ऑर्डर ले लिए, अब शादी में ऑर्डर है, आप समय पर पानी नहीं पहुंचाओगे तो फिर आपकी सर्विस खराब हुई। बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से बस सर्विस अपनी अच्छी रखिए आप। सर इसके लिए पावर सप्लाई कितनी चाहिए फिर इसके लिए? पावर सप्लाई सर इसमें अपने को सिंगल फेस ऑपरेटेड है ये जो मशीन हमने बनाया हुआ है, ये आरओ की मशीन टोटल हमको 2.5 HP की बिजली कंज्यूम करती है, है ना, 2.5 HP की बिजली इसमें लगती है। और अगर जिसको ठंडा पानी सप्लाई करना होता है, चिल्ड वाटर जो होता है, वो सप्लाई अगर किसी को करना है तो उसके लिए एक चिलर आता है, जो ऑनलाइन चिलर होता है, जो पानी कंटिन्यू 1 घंटे में ठंडा करके देता है ना, वो ऑनलाइन चिलर होता है, वो आपके प्यूरिफाई वाटर टैंक से अटैच रहता है और वो हर घंटे उनको पानी ठंडा करके देता जाता है, है ना। तो सर एक बार ये प्लांट अगर अभी इसको लगाते हैं तो इसके जो कार्ट्रिज इसके अंदर फिल्टर है वो कितना पानी साफ कर सकते हैं और कितने दिनों तक इनको बदलना पड़ता है? जी जी जी, तो जैसे ये जो फिल्टर है आपका प्री फिल्टर बोलते हैं हम लोग, ये जो आप नीले कलर के जो फिल्टर देख रहे हैं ये प्री फिल्टर है। इसमें सर एक प्री फिल्टर लगा है, इस प्री फिल्टर को क्या करना पड़ता है, हमको हर 7 से 8 दिन 10 दिन में हमको इसको वॉश करना होता है। ये वॉशेबल होता है। अच्छा। वॉश इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्यूरीफाई हो रहा है, पानी में जो केमिकल है जैसे आपका धूल है ना, डस्ट है, वो आके यहाँ पर जम जाता है। और अगर अपन वो वॉश नहीं करेंगे तो फिर वैसा ही जमता रहेगा, फिर लेयर बन जाएगा और ख़राब हो जाएगा जितनी जल्दी। और पानी भी आपका एग्जैक्ट प्यूरीफाई नहीं होगा क्योंकि ये पहले से ही गंदा है, तो क्या प्यूरीफाई करेगा। इसलिए अपन को इसको क्या करना है कि 2-3 महीने में आप इसको चेंज कीजिए, है ना। चेंज करने से आपकी पानी की प्यूरिफिकेशन अच्छी रहेगी। और दूसरी, इसको चेंज करने का सबसे बड़ा फायदा है कि इसके बैक साइड में हमारे मेम्ब्रेन दिए हैं। इसको जो प्यूरीफायर का मेन पार्ट होता है मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन आपका मेन पार्ट है, ये मेम्ब्रेन की लाइफ को बचाता है, है ना, मेम्ब्रेन की लाइफ बढ़ाता है। आप इसको प्रॉपर वे पे चेंज करते रहेंगे तो आपका मेम्ब्रेन सही रहता है, है ना। मेजर प्रॉब्लम क्या आती है इसके अंदर, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है इसका? इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बातें ये होती है कि इस प्लांट में हम लोग जो आपको पार्ट दिख रहा है उसमें रिप्लेसमेंट वारंटी अपन देते हैं, बट मेम्ब्रेन जो होती है मेम्ब्रेन में वारंटी नहीं होती है। मेम्ब्रेन को हमको केयर करने के लिए हम आपको एक डोजिंग लिक्विड देते हैं, जो 5 लीटर के डब्बे आते हैं, वो लिक्विड को हमको पानी में डालना पड़ता है, है ना। वो लिक्विड डालने से क्या फ़ायदा होता है कि हमारे जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन में क्या होता है, फिल्टर ही है। अब पानी में कैल्शियम है और बहुत सारे केमिकल है। फॉर एग्जाम्पल अपन कैल्शियम की बात करते हैं, अगर कैल्शियम किसी भी चीज़ में गया तो वो तो ब्लॉक कर देगा उसको, तो वो कैल्शियम को रिमूव कर देता और भी बहुत सारे केमिकल को रिमूव कर देता फिल्टर से। इस वजह से उस लिक्विड को प्रॉपर वे पे डालना है ना। और दूसरा, इस पीपी फिल्टर को चेंज करना है 2 से 3 महीने में। ये दो आपको मैनेजमेंट हमेशा ध्यान देना है कि ये दोनों चीज़ को आप प्रॉपर वे पे करते रहेंगे तो आपका प्लांट लॉन्ग लाइफ चलेगा। सर इस प्लांट को लगाने के लिए हमें कितना स्पेस की जरूरत है? इस प्लांट को लगाने के लिए हमको सर एक छोटा कमरा चाहिए रहता है, 10x15 या 10x20 का एक छोटा हमको कमरा चाहिए रहता है, वहाँ पर ये प्लांट आसानी से आ जाता है। तो इसको प्लांट को लगाने के लिए क्या किसी ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है क्या? ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है सर, जैसे हम किसी भी नई चीज़ को चालू करते हैं हमको जानकारी नहीं होती है, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़नी है सर, है ना, 100%। उसके लिए जो हमारा टेक्नीशियन आपके यहाँ मशीन लगाने आता है वो आपको सारी चीज़ों की जानकारी देगा कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, है ना, सिस्टम को कैसे चलाना है, वो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, है ना। और तो और हम जब भी यहाँ से जाते हैं, हमारा टेक्नीशियन जो जाता है वो कस्टमर के मोबाइल पे ही कस्टमर को वीडियो बनवाता है कि सर इसको ऑपरेट कैसे करना है, वो वहाँ पर वो सारी जानकारी देगा। वो वीडियो रिकॉर्ड हम हमेशा कस्टमर को दे देते हैं। उससे फ़ायदा क्या होता है ना सर, कभी कोई अननोन बंदा भी वहाँ पर जा रहा है या आप अवेलेबल हमेशा नहीं हो पाता, किसी और को समझ आए तो हमको कॉल करने से पहले अगर वो वीडियो अच्छे से देख लेगा तो उनको सारी चीज़ें वहीं पर ही समझ में आ जाती है। बाकी उसके बाद कोई दिक्कत आई तो हमको कॉल कर सकता है। सर इसका जो टेक्नीशियन जो जाएगा इसको इंस्टॉल करने के लिए, तो उसका चार्जेस पे किसको करना पड़ेगा? आपको करोगे जो या मशीन जो इनको प्लांट लगाएगा उनको करना पड़ेगा? डिस्टेंस वाइज रहता है। जनरली हम लोग इसमें सर चार्जेस लेते हैं इंस्टॉलेशन का, इंस्टॉलेशन का चार्ज होता है क्योंकि यहाँ से बंदा जाता है, 1-2 दिन उनको जाने का लग जाता है, इंस्टॉलेशन चार्ज इसमें एक्स्ट्रा रहता है।